नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको मात्र 25 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर पूछा गया है मारियो मिरांड कौन है या क्या है। ऑप्शन है कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर या टाइपोग्राफिस्ट। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कार्टूनिस्ट। तो मारियो मिरांड ही कार्टूनिस्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। सही जवाब क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है डेविड ओगेलवी, जेम्स अगस्ट, बोलनी वी पाल्मर और डब्ल्यू आयर। सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स अगस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। द डिस्टेंस ऑफ गंगेज, गंगा का उत्तरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है। महाबलीपुरम में है, अजंता में है, बनारस में है, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ में है या गंगोत्री में है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। रैम किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या रैपिड एक्यूट मेमोरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं। ऑप्शन है रामकिंकर बैज, एम एफ हुसैन, अनुपम शूद या रणवीर सिंह बिष्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। कोणार्क किस सूर्य किस देवता का मंदिर है। ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु या शिव। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य। तो कोणार्क किस देवता का मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है। ऑप्शन है रोकोको पेंटिंग, वराग पेंटिंग, हाई रेनेस पेंटिंग या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। सिंगरिया की गुफाएं किस देश में है। भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में या पाकिस्तान में। ऑप्शन सी सही होगा, श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है। यामिनी राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से या विनोद बिहारी मुखर्जी से। ऑप्शन डी सही होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी से। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसको कहा जाता है। ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगलवी, प्रसून जोशी या एलेक्जेंडर रेमेल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेविड ओगेलवी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। चार्ल्स कोरिया, ली कार्बुज़िए, फिलिप जॉनसन, सतीश गुजराल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ली कार्बुज़िए। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ। भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ। ऑप्शन है फ्रांस, इटली, जर्मनी या हॉलैंड। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृत माँ योम शिशु चित्र किस माध्यम में बना हुआ है। ऑप्शन है कैनवास पर तैल रंग, कैनवास पर टेम्परा, टेम्परा या वाश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कैनवास पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, अभ्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। भारत, इटली, जर्मनी, फ्रांस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जर्मनी में।
अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 115। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या ग्रीक? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षष्ठंगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, दूसरा प्रमाण भाव लावण्य योजना रूप भेद, तीसरा ऑप्शन है भाव लावण्य योजना प्रमाण रूप भेद, और चौथा ऑप्शन है लावण्य योजना प्रमाण भाव रूप भेद। तो भारतीय चित्रकला के षष्ठंगों का जो सही क्रम है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। फाववाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? सेंजा थे, पिकासो से, गोया थे या मातिस? फाववाद का प्रमुख चित्रकार, सही जवाब होगा ऑप्शन डी मातिस। फाववाद के प्रमुख चित्रकार मातिस हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है कहाँ से? बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से? तो भारतीय आधुनिक कला चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार केसुदास, अबुल फजल, शमशाद या मोलाराम? आईने अकबरी का प्रमुख चित्रकार था अबुल फजल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 120। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1850, 1819, 1908 या 1918? तो अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 121। यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, गंगेन्द्रनाथ टैगोर, शांति देव दवे, सोमनाथ होर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर के द्वारा कांस्य मूर्तियाँ भी निर्मित की गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 122। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक ने, फ्रिंजमार्क ने, सेगाल ने या सेंजा ने? ब्लू राइडर ग्रुप, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रिंजमार्क ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123। संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है बलबीर सिंह कष्ट, रामकिंकर बैज, अवतार सिंह पंवार या पी सुरिंदर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी रामकिंकर बैज। तो संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार रामकिंकर बैज थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं? ऑप्शन है रुआन डायलाइट मार्क, दूसरा ऑप्शन है ब्लैक काला क्लोराइट, तीसरा ऑप्शन है काला बेसाल्ट और चौथा ऑप्शन काला ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे ब्लैक काला क्लोराइट। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं काला क्लोराइट या ब्लैक क्लोराइट से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है पहला पणजी में, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर में और चौथा ऑप्शन है जयपुर में। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। तो यहाँ आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक ही आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
ऐसे ही प्रश्नों के साथ। नमस्कार।